रूस यूक्रेन जंग के बीच अब यूक्रेन के निशाने पर ईरान आ गया है। यूक्रेन के कई शहरों में ड्रोन हमले के बाद ये कहा जा रहा है कि युद्ध में रूस की मदद ईरान ने की है। दूसरी ओर यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के हवाई हमले अभी भी जारी हैं। रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन के शहरों में रूसी मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई है जिससे हर ओर तबाही के निशान हैं, इमारतें सुलग रही हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है। खार्किव में रूसी सेना के हवाई हमले से फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। फैक्ट्री के अंदर बचा है तो सिर्फ कबाड़। हवाई हमले के बाद फायर फाइटर आग बुझाते दिखे। एक तरफ जहां ईरान की सामरिक नजदीकियां रूस के साथ लगातार बढ़ रही हैं, तो वहीं ईरान के कट्टर ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दुश्मन इजराइल का झुकाव यूक्रेन की तरफ है। रूस की मदद के चलते यूक्रेन अब ईरान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною. З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу. Іран і Україна के बीच तल्खी के पीछे यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला जिस ड्रोन से किया है वो ईरान से लिए गए हैं। ड्रोन अटैक से यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही देखने को मिली थी। 8 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। रूस यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उन देशों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने यूक्रेन की मदद की। Просто зараз відбувається нова російська атака дронами і є збиття. Світ може і повинен зупинити цей терор. Коли ми кажемо про потребу України. रूस यूक्रेन जंग के बीच 8 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन दोनों देशों के बीच बात बनने के बजाय बिगड़ती ही जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि कहीं रूस यूक्रेन का ये युद्ध कुछ और मुल्कों के बीच महाभारत का सबब न बन जाए। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।